आईबीएनआई न्यूज में और मैं हूं आपके साथ गरिमा मकरानी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। देवास शहर में कुछ दिन पूर्व आरटीओ और यातायात विभाग ने स्कूली वाहनों पर कार्रवाई की थी। विभाग ने सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले 50 से अधिक मैजिक वाहनों को जब्त किया और यह कार्रवाई बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी, जिससे ये स्पष्ट होता है कि यातायात विभाग बच्चों की जान के साथ हो रहे खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। शहर में स्कूली वाहनों की अनियमितताएं अक्सर देखने को मिलती है। कुछ वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चों को ठूस कर भरा जाता है, जबकि कुछ वाहनों का रखरखाव ठीक नहीं होता। इस प्रकार की लापरवाही न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन है, बल्कि बच्चों की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्कूली बच्चों की जान के साथ मैजिक चालक खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं आरटीओ अधिकारी ने बताया कि हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी स्कूल वाहन सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करें। जो वाहन इन नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।